Oh my God. सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन डॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, मेरी बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि हम अपने शहर शाहजहांपुर का सेंट मैरी चर्च सिखाएं, वो भी रात को। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम वाला ब्लॉग लेके हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बता दें हम कहाँ पर खड़े हैं। तो अभी जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खड़े हैं शहीद संग्रहालय के बाहर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री बनी हुई है शहीद संग्रहालय की है, और इसका ब्लॉग हम आपको ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। और फ्रेंड्स इस टाइम जो है वो रात का समय है, और देखिए यहाँ पे जो लाइटें वगैरह जल रही हैं, तो ये शहीद संग्रहालय और भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स ये जो सीधी आप रोड देख रहे हो, ये ही हमारे सेंट मैरी चर्च की ओर जाती है रोड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज सेंट मैरी चर्च, वो भी रात में, कैसे लगता है यहाँ पे, क्या लोकेशन है, इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, वो भी हम आपको ब्लॉग में आगे बताएंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि भी आप हम आपको बता दें, ये पीछे रोड जो है पूरा सेंट मैरी चर्च की ओर गई है। और फ्रेंड्स इस टाइम जो है रात का समय है और आपके लिए शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डर भी बहुत तेज लग रहा है हम लोगों को। हाँ, तो फ्रेंड्स इस टाइम हम अपने भाई के ही साथ आए हैं, अकेले बिल्कुल नहीं आए। तो आप लोग कुछ ये मत समझिएगा कि हम रिस्क ले रहे हैं। तो चलिए आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा डर लग रहा है हमको भी कि कैसे क्या रहेगा, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये हॉन्टेड ब्लॉग का। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो हैं सेंट मैरी चर्च के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। आप सामने जो देख रहे हो वो जो बिल्डिंग है सेंट मैरी चर्च की है, ऊपर वहाँ चर्च का क्रॉस बना हुआ है जैसे कि भी आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फालतू की हरकतें मत करो। फ्रेंड्स अभी हम लोग मेन सेंट मैरी चर्च वाली रोड पर चल रहे हैं। जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स, ये जो बाउंड्री देख रही जी एफ कॉलेज की है, बाउंड्री है ये जी एफ कॉलेज की बाउंड्री। और फ्रेंड्स ये जो आप इधर साइड को देख रहे हो, ये है सेंट मैरी चर्च की बाउंड्री। और फ्रेंड्स अंदर जो है वो बिल्डिंग बनी हुई सेंट मैरी चर्च की। तो अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ रोड पे कोई नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रीट लाइट जल रही है। तो चलिए आपको हम और भी दिखाते हैं आगे। और फ्रेंड्स आगे आप रास्ता देख सकते हैं, कितनी सुनसान रास्ता है, सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ से निकलते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम लगभग जो है हम बता दें, कोई हम 9 बजने वाला है जैसे कि भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको ज़्यादा लेट तो नहीं दिखा रहे हैं कि हम 12 बजे आ रहे हैं, बस जेन्युइन टाइम पे ही हम शूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप आगे देख सकते हैं कितना ही, हम अपनी रियल आंखों से देख रहे हैं, तो ये बहुत डरावना सीन है। आप पता नहीं कैमरे में वैसा कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है मेन लोकेशन पे, मतलब सेंट मैरी चर्च का जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये बाउंड्री बनी हुई है, और सामने वहाँ पर मेन गेट है। और फ्रेंड्स ये जी एफ कॉलेज की बाउंड्री आपको बता ही रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स। और रोड पूरी सन्नाटा है, यहाँ पे 9 बज रहा भी और इतना सन्नाटा है फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं। और यहाँ की जो लोकेशन है कैमरे में कैप्चर वैसा नहीं हो रहा है, बट यहाँ के पेड़ वेड़ हैं, एक अलग ही फील दिला रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ तो गाइस मुझे लगा कि वहाँ पे कोई बैठा है, तो उस कैमरे पे फोकस करना, कैमरे में वो नहीं चीज़ नहीं आ रही है, बट हाँ यार लग रहा है डर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इस जी एफ कॉलेज के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सेंट मैरी चर्च के मेन गेट के बाहर एकदम खड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स ये चर्च, इसका नाम सेंट रफाल चर्च भी है, और पहले इसका नाम
सेंट मैरिज चर्च हुआ करता था। और फ्रेंड्स इसका इस चर्च का निर्माण जो है वो 1837 में कराया गया था। और फ्रेंड्स जब हमारे देश में मतलब 1857 में जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद से ये चर्च जो है बंद करा दिया गया था, लेकिन 1860 में फिर से ये प्रार्थना के लिए खोला गया। और फ्रेंड्स जैसे कि जब वॉर हुई तो वहाँ पे बहुत सी क्रांतियाँ हुई, बहुत से लोग मारे गए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद से ये चर्च जो है तब से हॉन्टेड माना जाने लगा। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स इस समय यहाँ पे कोई नहीं है लोकेशन पे, पूरी रोड सन्नाटा है और जो चर्च का गेट भी है वो बंद है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या फील है, नेगेटिविटी है। और फ्रेंड्स हम आपको चलिए थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, क्योंकि चर्च का गेट तो बंद है, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस चर्च से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी किस्से जो हैं वो मशहूर हैं हमारे शहर में, और अलग अलग लोग बोलते रहते हैं, अब ये कितनी इस बात में सच्चाई है हमें नहीं आते। तो ऐसे ही किस्सा हम आपको सुनाते हैं कि बताया जाता है कि जब भी एक टाइम पे बहुत पहले की बात है, जब पापा मेरे यहाँ पढ़ते थे, अपनी एजुकेशन करते थे जीएफ कॉलेज में, तो वो बताते थे कि इस रोड पे अगर कोई माचिस लेके जाता था तो पीछे से बैक साइड से कोई आदमी से हैट वेट लगाए, ओवरकोट पहने, और वो अपने सिगरेट जलाने के लिए वो माचिस मांगता था। और जब वो माचिस जलाता था तो उसका फेस वहाँ पे नहीं होता था, मतलब सर कटा आदमी कह सकते हैं कि खड़ा होता था। तो एक ये कहानी मशहूर है, और एक और कहानी है, कहानी किस्सा जो भी हकीकत आई डोंट नो क्या है। तो फ्रेंड्स एक और किस्सा काफ़ी सुना जाता है कि ऐसा है कि एक बार की बात है कि यहाँ इसी रोड से पहले, तब तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ जंगलात थे, अब तो फिर भी बहुत कुछ बन गया। तो एक टाइम पे यहाँ पे एक रिक्शा वाला निकल रहा था, तो उसको एक लेडी ऐसे हाथ देती है रिक्शे पे बैठने के लिए, ये अपने गाउन पहनी होती है, मतलब कह रहे हैं एक अंग्रेज जो होती है फॉरेन कंट्री की एक लेडी होती है, वो रिक्शे को हाथ देती है, तो वो रिक्शा वाला वो रोक तो देता है, लेकिन जब उसके पैर देखते हैं तो पैर उसके टर्न होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, तो इट मीन्स शायद से वो कोई रही होगी, कोई रू रही होगी। तो एक ये किस्सा मशहूर, अब कितनी सच्चाई है इसमें आई डोंट नो, बट फ्रेंड्स ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने आपको कहानी सुनाई, किस्सा सुनाया, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते, और प्लीज़ आप लोग इसको रियल मत समझिएगा कि हम आपको कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस ये कहीं सुनी बातें हैं जो कि हमने सुनी, वही हमने आपको के साथ शेयर करी अपनी जो बातें हैं। और फ्रेंड्स ये चर्च कितना हॉन्टेड है कितना नहीं है ये हम भी कंफर्म नहीं कर सकते, हम कोई गलत मैसेज नहीं पहुंचा रहे आप लोगों को, और ना ही हम अपने इस लोकेशन का नाम बदनाम कर रहे हैं, बस एक जिनमिन सी बात है, लोगों के कमेंट्स आए कि हमको इस चर्च का दिखाना चाहिए, तो वही आप लोगों के साथ हमने सोचा कि चलो दिखाया जाए, आप लोग भी डिमांड पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स हम कुछ भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए स्प्रेड नहीं कर रहे, ये चर्च नॉर्मल है, प्रार्थना के लिए खोला जाता है सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ क्रिसमस पे ही खोलते हैं, बाकी पूरे टाइम बंद रहता है। और ये कितना हॉन्टेड है कितना नहीं ये हम नहीं जानते, ये आप लोग अपने कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करिए। फ्रेंड्स इसके अभी देख रहे लोकेशन तो काफ़ी सुनसान है, यहाँ पे कोई नहीं है आसपास, सिर्फ ये खाली घने पेड़ हैं, और ये पीछे ऐसा चर्च है, और इधर पीछे जीएफ कॉलेज की बिल्डिंग है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर करिए कि वाकई ये चर्च हॉन्टेड है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि जो आपको हम बता पाए कि वाकई ये हॉन्टेड है कि नहीं है। और कहीं रही अगर कोई किस्सों की बात, तो इसमें भी कोई ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि वाकई ये सच है कि नहीं सच है, हमने भी सुना वही हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और फ्रेंड्स अगर आप लोग वाकई जानते हैं कि हॉन्टेड है तो अपनी ओपिनियन शेयर करिए, और आप लोग मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हैं तो अपनी लोकेशन ज़रूर से मेंशन करा करिए, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप शेडो में देख सकते हैं मेरा कैमरामैन वही बना हुआ है इस टाइम। और फ्रेंड्स हम कुछ नहीं के साथ कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, बस एक जेन्युइन सा ब्लॉग है ये जो कि हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, और ये हॉन्टेड है कि नहीं हम भी नहीं जानते, बस एक कहीं सुनी बातें हमने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ भी ऐसा मत समझिएगा कि हम कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें जो फील हुआ हमने वो आपको दिखाया, और अभी तक जेन्युइन मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि हम जो जिससे डरे और आप लोगों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स होप आपको ये पूरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया ओह माय गॉड शिट।
रुको